गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब टॉपिक है प्रायोरिटी ऑफ द नेशन स्टेट। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी थी जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, या न्यूली फॉर्मड हम कहेंगे क्योंकि इसमें मोड ऑफ गवर्नमेंट जो था वो चेंज हो गया था। पहले जो था वो शख्सी राज था और अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका वजूद शुरू हुआ था। उसमें सबसे पहला जो पहली प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की वो थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले नंबर पर लैंड रिफॉर्म्स थे। ये जो नई गवर्नमेंट थी ये अपना जो मैनिफेस्टो था उनका नया कश्मीर मैनिफेस्टो, उसे इम्प्लीमेंट करने का इनका ज़बरदस्त जोश खरोश था। तो 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो पुराने निज़ाम थे, जागीरदारी निज़ाम था जिसमें कुछ बड़े बड़े उमरा को जागीरें अता की जाती थी या मुआफीज और मुकर्रीज, ये दो तीन किस्म की जो ज़मीनें दी जाती थी इनको, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। मासवाए उनके जो मजहबी इदारों को दी जाती थी वो बदस्तूर रही हैं, उसके अलावा जो बाकी जागीरें थी वो ख़त्म कर दी। तो उसके बाद चकदारी सिस्टम था वो भी ख़त्म कर दिया। तो क्योंकि रियासत में फूड की बहुत शॉर्टेज पाई जाती थी तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था ग्रो मोर फूड स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या हुआ कि ऐसी बहुत सारी ज़मीनें जो काबिल काश थी लेकिन काश्तकारों के पास नहीं थी, उन्हें काश्त के काबिल बनाया गया, उन्हें कल्टीवेशन के अंडर लाया गया और उन ज़मीनों को जो है लैंड लेस पेजेंट्स जो थे यानी ज़मीन किसान, उनको वो ज़मीनें दी गई और उन्होंने उन पर खेती बाड़ी शुरू की। उसके बाद 1948 में स्टेट टिनेंसी एक्ट ऑफ 1924 जो था उसमें अमेंडमेंट की गई और एक नया एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया टिनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948। इस एक्ट के तहत जो ज़मीन का दी जाती थी काश्तकारों को उस पर एक ख़ास किराया जो है मुकर्रर किया गया, जो उन्हें लैंडलॉर्ड जो थे, ज़मींदार जो थे, उनको अदा करना होता था। यानी उससे पहले जो था उसकी कोई हद नहीं थी किराए की, जो ज़मींदार थे वो जितना मर्जी चाहते थे काश्तकारों से वसूल करते थे। अब इस एक्ट के बाद एक हद मुकर्रर की गई, उस हद से ज़्यादा कोई भी ज़मींदार उन लोगों से जो है ज़मीन का किराया ज़्यादा नहीं ले सकता था। उसके बाद एक और अहम एक्ट पास हुआ 1950 में, 1950 में, जिसे डिस्ट्रेस्ड डेब्टर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950 कहा जाता है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बहुत सारे जो किसान और गरीब जो तबका था उन लोगों को, उन लोगों के बहुत सारे जो कर्जे थे वो माफ़ किए गए। इससे बहुत सारे जो लोग थे गुरबत में, जिन मतलब दबे हुए थे कर्ज के नीचे, उन लोगों को राहत की सांस मिली और उन्होंने जो है एक सुख की सांस ली। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 ज़िलों में डेबिट कंसिलिएशन बोर्ड बनाए, जैसे अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, जम्मू और उधमपुर के जो अज़ला हैं, जो ज़िले हैं, उनमें 5 डेबिट कंसिलिएशन बोर्ड्स बनाए जिन्होंने उस वक्त लोगों के जो जो कर्ज थे उन पर देख सुनकर लोगों के कर्ज जो है माफ़ किए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्ट था 1950 में जो एक्ट पास हुआ वो था बिग लैंडेड इस्टेट्स एबोलिशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें जो थी, जो वो ज़मीनें काश्तकार इस्तेमाल करते थे मतलब खेती बाड़ी के लिए, वो उनको उन ज़मीनों के मालिकाना हकूक दे दिए गए। यानी लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था, लैंडलॉर्डिज्म,
उसको एबॉलिश किया गया और ज़मीन जो है वो काश्तकारों को तकसीम कर दी गई विदाउट कंपनसेशन, यानी उनसे बगैर किसी मुआवजे के वो ज़मीन के मालिक बन गए। और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो सिर्फ इस एक्ट के मुताबिक सिर्फ 182 कनाल या 22.5 एकड़ ज़मीन के मालिक रह सकते थे। इस एक्ट की वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए। जो किसान बेज़मीन थे, इनकी ज़मीन नहीं थी, यानी वो सिर्फ काश्त कर सकते थे, ज़मीन के मालिक नहीं थे, वो इस एक्ट की रोह से उन ज़मीनों के मालिक हो गए। फिर उन्होंने उन ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट्स की अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उनको मालूम था कि अब वो जितनी मेहनत करेंगे वो फल उनका ही होगा। तो उससे क्या हुआ, रियासत के अंदर एक जो फूड शॉर्टेज थी उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक